लगता है कि जो महिला स्कीमें आपकी थी उस वजह से महिलाएं घर के बाहर निकली, चाहे मोबाइल वाली हो या कुछ और अन्य योजनाएं हैं? चाहे महिलाएं हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे किसान हो, कोई जाति बिरादरी हो, सबने जम के वोटिंग दी है। और जम के जो है, मैं समझता हूँ कि अंडर करंट की तरह माहौल बना राजस्थान के अंदर, अंडर करंट की तरह जो खबरें आ रही है। बाकी तो 3 तारीख आई तो मालूम पड़ेगा क्या होता है। हमें जो भी फैसला होगा विथ ह्यूमिलिटी हम स्वीकार करेंगे उसको, पर हमने कोई कमी रखी नहीं और जनता ने भी कमी रखी नहीं मेरे ख्याल से। सर, आपने कल भी फीडबैक लिया है, दिन भर फीडबैक लिया है, फीडबैक के आधार पर आपने बताया अभी अंडर करंट है तो सरकार रिपीट हो रही है, क्या वो तमाम जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में ऐसे विधायक जो किसी पार्टी विशेष से नहीं, निर्दलीय है, जितनी की स्थिति में आ रहे हैं, क्या उनसे संपर्क में है सरकार? आपको बताएंगे कोई संपर्क में होगा पार्टी वाले आपको बताएंगे क्या? वो तो स्वतः ही स्वाभाविक संपर्क हो जाता, अपना आप ही हो जाता है, इसलिए कोई कहने की जरूरत नहीं होती है। पर इस बार जो है, मैं समझता हूँ कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा, भारी बहुमत मिलने जा रहा है। अरे आप, मैं जब सब कह रहा हूँ भाई, ओपीएस हो चाहे वो आरजीएसएस हो, चाहे वो हमारी कानून हो, चाहे हमारी स्कीमें हो, चाहे वो हमारी गारंटी हो, सबको लोगों ने लाइक किया।